एस वेव ट्रांसवर्स वेव होती है एंड स्लोअर होती है पी वेव से, एंड ये ट्रांसवर वेव से पी वेव से स्लोअर होती है एंड अप एंड डाउन मूव करती है, ट्रांसवर वेव है एंड सिर्फ सॉलिड से पास होती है. तो एस वेव लिक्विड से पास नहीं हो सकती है, सिर्फ सॉलिड से पास होती है एस वेव. एस वेव है एस फॉर एस, एस फॉर सॉलिड, एस फॉर एस वेव्स एंड एस फॉर सॉलिड वेव, सरफेस वेव. फिर सरफेस वेव में, सरफेस में पहले आती है लव वेव. सरफेस वेव में ये लव वेव आती है, इसका नाम रखा गया एच ई एच लव के अंदर, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे उनके नाम पर रखा गया लव वेव्स. एंड ये फास्टेस्ट काउंट है. अगर हम देखें तो एस अगर प्राइमरी वेव्स में था, कौन सी सर बॉडी वेव सबसे फास्टेस्ट थी, बॉडी वेव्स में पी वेव सबसे फास्टेस्ट थी, पी वेव एंड एस वेव में. यहाँ पे एल वेव फास्टेस्ट होती है, सरफेस पे आके एल वेव सबसे फास्टेस्ट होती है, यानी साइड टू साइड मूव करती है, इस टाइप से साइड टू साइड मूव करती है. तो काफ़ी डैमेजिंग है, एल वेव्स काफ़ी डैमेजिंग है, साइड टू साइड मूव करती है. लव वेव के अलावा दूसरे टाइप की सरफेस वेव होती है रैले वेव. तो रैले वेव किसका नाम रखा गया, लॉर्ड रैले के नाम पर रखा गया इसका नाम. एंड ये रैले कैसे मूव करती है, जैसे ओशन में कोई वेव मूव कर रही है उस टाइप से मूव करती है. एंड ये तो ये अप एंड डाउन भी मूव करती है, साइड टू साइड भी मूव करती है. तो ये काफ़ी डैमेजिंग होती है, दोनों साइड से अप एंड डाउन भी मूव करती है, साइड टू साइड भी करती है. तो इसमें शेकिंग बहुत ज़्यादा है इस वाली वेव की वजह से, जो रैले वेव की वजह से शेकिंग बहुत ज़्यादा होती है अर्थ पे, काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग है रैले वेव्स. कैसे अर्थक्वेक को क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, देर इज नो वे वी कैन प्रिडिक्ट अर्थक्वेक, हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. बट व्हाट वी कैन डू कि जैसे पी वेव्स आई, सो वी जैसे ही पी वेव्स आई तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है, जैसे पी वेव्स आई एंड विद अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स के बाद एस वेव्स आती है, तो इस टाइम का यूज करके, जब पी वेव आई और एस वेव आई, इस टाइम का यूज करके हम जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है, जैसे अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो कोई भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनको स्विच ऑफ कर सकते हैं कि थोड़ा जो इफेक्ट है उसको बचा सके. फिर एस वेव के थोड़े टाइम के बाद एल वेव्स आती हैं, रैले वेव्स आती हैं, सरफेस वेव्स आती हैं. सो अर्थक्वेक के कॉजेज क्या होते हैं, सो प्लेट टेक्टोनिक कैन एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के कॉजेज कैसे देख सकते हैं, प्लेट टेक्टोनिक से देख सकते हैं. तो या तो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री हो, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री मतलब एक प्लेट दूसरे से प्लेट के पास आ रही हो, फिर डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री हो, एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रही हो, फिर हो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मतलब एक प्लेट दूसरे प्लेट से ऐसे मूव कर रही हो. तो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री ट्रांसफॉर्म जो प्लेट बाउंड्री है इसमें सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आता है, सबसे कम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री में. जैसे अर्थ अगर हम प्लेट देखें, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, पूरी यूरेशियन प्लेट है, ये पूरी पैसिफिक प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ पे ये इंडियन प्लेट है, यहाँ पे इंडियन प्लेट है, पूरी इंडियन प्लेट है. एंड देन ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, फिर ये साउथ अमेरिकन प्लेट है. एंड पैसिफिक प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में नाजका प्लेट, नाजका प्लेट बिटवीन पैसिफिक प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में नाजका प्लेट है. तो जैसे ये है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में मिड ओशन रिज बनती है, क्यों बनती है, क्योंकि ये डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री होते हैं. यहाँ पे जो अर्थक्वेक आते हैं वो बहुत माइल्ड इंटेंसिटी अर्थक्वेक आते हैं. अगर देखिए नाजका प्लेट एंड ये साउथ अमेरिकन प्लेट, ये नाजका प्लेट सबडक्ट कर रही है बिटवीन साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे, यहाँ पे बहुत ही हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक आते हैं. एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री देखें तो नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा सैन एंड्रियास फॉल्ट, नॉर्थ अमेरिका में सैन एंड्रियास फॉल्ट होता है. तो वो क्या होता है, बिकॉज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की वजह से यहाँ पे काफी हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होते हैं तो ऐसे जाते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, वहाँ पे कम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आते हैं. तो हमने तीन टाइप के देखे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बहुत हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक आते हैं, फिर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते हैं, एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में ज़्यादा इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते हैं. तो इन दोनों में ज़्यादा इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते हैं, एंड डाइवर्जेंट में कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक की बात करें तो ये पैसिफिक ओशन है, तो 80% जो अर्थक्वेक्स आते हैं ये पैसिफिक ओशन में आते हैं, 80% ऑफ अर्थक्वेक पैसिफिक ओशन में आते हैं. एंड फिर जो रिमेनिंग 15% होते हैं, एंड ये जो पैसिफिक ओशन में जो अर्थक्वेक आते हैं ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के होते हैं. पैसिफिक प्लेट काफी हैवियर प्लेट है, ये सबडक्ट करती है, ये अमेरिकन प्लेट के अंदर सबडक्ट करती है, आगे नाजका प्लेट के अंदर सबडक्ट करती है, तो पैसिफिक प्लेट सबडक्ट करती है. तो यहाँ पे काफी ज्यादा 80% जो अर्थक्वेक है पैसिफिक ये मार्जिन सर्कम पैसिफिक मार्जिन पे आते हैं. फिर 15% जो अर्थक्वेक है ये यहाँ पे हमारी जो हिमालयन बेल्ट है एंड मेडिटेरियन सी वाली बेल्ट है, 15% ऑफ द अर्थक्वेक यहाँ पे आते हैं. फिर 5% ऑफ द अर्थक्वेक ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जैसे इंडिया है, इंडिया के इंटीरियर पे जैसे हमारा भुज अर्थक्वेक आता है गुजरात में, एंड कोयना डैम वाला अर्थक्वेक आता है, मैन फैक्टर. तो 5% अर्थक्वेक इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आते हैं, एंड बाकी 80% तो पैसिफिक बेल्ट में, एंड रिमेनिंग 15% मेडिटेरियन एशियाटिक बेल्ट, जैसे मेडिटेरियन सी एंड फिर एशियाटिक बेल्ट में जो हमारा हिमालयाज एंड ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, हिमालयाज नॉर्थ
जो इंडोनेशिया वाला पार्ट, तो ये सब आ जाता है मेडिटेरेनियन एशियाटिक बेल्ट में। एंड तो 80% हमारे आते हैं पैसिफिक ओशन में। सो 80% अर्थक्वेक हमारा तो आता है पैसिफिक ओशन में। एंड फिर यहाँ पे कुछ सेंट एंड्रियास फॉल्ट, इस सेंट एंड्रियास फॉल्ट में कुछ अर्थक्वेक आते हैं। ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यहाँ पे आते हैं फिशर टाइप अर्थक्वेक, एंड ये बहुत ही माइल्ड एक्टिविटी होते हैं क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, तो यहाँ पे फिशर टाइप वोल्केनोस बनते हैं, काफी माइल्ड अर्थक्वेक आते हैं। जैसे कहते हैं डाइवर्जेंट में माइल्ड अर्थक्वेक आते हैं। अर्थक्वेक को क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो बेस्ड ऑन द पॉजिटिव फैक्टर कि कौन सी चीज अर्थक्वेक को कॉज कर रही है। सो बेस्ड ऑन द पॉजिटिव फैक्टर अर्थक्वेक को क्लासिफाई करते हैं। तो पॉजिटिव फैक्टर्स में होता है एक तो नेचुरल नेचुरल अर्थक्वेक, फिर वॉल्केनिक वॉल्केनिक की वजह से हुआ है, फिर टेक्टोनिक टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से हुआ है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जैसे कोयना डैम्स एंड रिजर्वर क्रिएट करने की वजह से। तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स में होता है। फिर होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ फोकस की डेप्थ कितनी है फोकस की। अगर मॉडरेट होता है, मॉडरेट होता है 0 से 50 किलोमीटर, इंटरमीडिएट होता है 50 से 250 किलोमीटर, एंड डीप फोकस होता है 250 से 700 किलोमीटर। फिर मॉडरेट इंटरमीडिएट एंड डीप फोकस सबसे ज्यादा डेंजरस होता है मॉडरेट अर्थक्वेक, क्योंकि ये अगर सिर्फ 50 किलोमीटर नीचे है, सिर्फ 50 किलोमीटर से अर्थक्वेक आ रहा है तो काफी ज्यादा डेंजरस होगा। जितना जितनी कम डेप्थ होगी उतना ही ज्यादा डेंजरस होगा, मतलब ये अर्थ अर्थ के काफी पास में है। तो मॉडरेट अर्थक्वेक सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, मॉडरेट डेप्थ के अर्थक्वेक जो होते हैं अप टू 50 किलोमीटर, 0 to 50 किलोमीटर। अब ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन कैजुअलिटी देखें तो अगर डेथ 50,000 से कम होती है इसे मॉडरेट बोलते हैं, 51,000 से अगर 1,00,000 तक होती है तो हाईली हजार्डस, 1,00,000 से भी ज्यादा डेथ होती है इसे मोस्टली हजार्डस बोलते हैं। तो हाईली हजार्डस, मॉडरेट, हाईली हजार्डस, मोस्टली हजार्ड, मोस्ट हजार्डस बोलते हैं अगर 1,00,000 से ज्यादा डेथ हो, 50,000 से 1,00,000, 1,00,000 से ज्यादा हो तो मोस्ट हजार्डस बोलते हैं। तो अर्थक्वेक से डैमेजेस क्या होते हैं, एक तो स्लोप इनस्टेबिलिटी होती है, तो अब डैमेजेस क्या होते हैं अर्थक्वेक से, एक तो स्लोप इंस्टेबिलिटी, स्लोप जो होता है वो इंस्टेबल हो जाता है एंड इसकी वजह से ये स्लोप शेक करने लगता है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं, सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा। रोड्स पे अगर कोई गाड़ी आती है तो उसमें डैमेजेस हो सकते हैं। एंड ह्यूमन स्ट्रक्चर, जितने भी ह्यूमन स्ट्रक्चर हो, ह्यूमन स्ट्रक्चर डैमेजेस हो जाते हैं, टाउन्स एंड सिटीज सारे तबाह हो जाते हैं, एंड ह्यूमन लाइफ, काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है इसकी वजह से। फायर्स, तो अगर कोई ऐसा इंस्टॉलेशन है जहाँ पे फायर लग सकती है, कुछ एक्सप्लोजिव्स रखे हुए हैं तो वहाँ पे फायर हो जाती है। फिर डिफॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड सरफेस, कई सड़कें देखे होंगे टूट फूट जाती है, बिल्कुल क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं सरफेसेस पे। फिर फ्लैश फ्लड्स, फ्लैश फ्लड कैसे आते हैं, जैसे एकदम स्लाइडिंग हो रही है तो जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा रॉक्स इकट्ठे हो गए हैं, एंड जब यहाँ पे रिवर आएगी तो रिवर आगे नहीं जा पाएगी चैनल्स पे, तो ये इधर जहाँ पे उसका कोर्स नहीं है वहाँ पे भी रिवर फैलती जाएगी, तो ये फ्लैश फ्लड करेगी तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डूब जाएंगे, काफ़ी डैमेज होगा। फिर सुनामीज आते हैं, अगर अर्थक्वेक अगर लैंड के अगर सी के अंदर आए अर्थक्वेक तो उसकी वजह से सुनामी आती है, तो सी के अंदर अर्थक्वेक आए तो सुनामी आती है, एंड इट कॉज अ ह्यूज डैमेज। बट डैमेज डिपेंड करता है कि शेकिंग कितनी हुई, अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग, कितनी देर तक शेकिंग हुई उस पर डिपेंड करता है। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, अगर सॉइल ज़्यादा पानी होगा सॉइल में तो ज़्यादा जल्दी बह जाएगा, तो अगर अगर पानी कम होगा तो नहीं बहेगा। फिर पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन, कितने लोग हैं, कितने लोगों को डैमेज हुआ उस पर डिपेंड करता है। अगर ऐसी जगह जहाँ पर लोग ही नहीं रहते तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्चर, जैसे नेशनल बिल्डिंग कोड बोलता है कि डिजास्टर रेजिलियंट बिल्डिंग बनानी है, तो उसे फॉलो किया है कि नहीं किया गया है। जैसे जापान की ज़्यादातर बिल्डिंग डिजास्टर रेजिस्टेंट बनती है, डिस्टेंट फ्रॉम द एपिसेंटर, एपिसेंटर से कितनी डिस्टेंस है। जब हम देखते हैं नेपाल का, जो नेपाल का 2015 का अर्थक्वेक आया था तो ट्रेमर्स दिल्ली तक फील हुए थे, बिहार में, यूपी में, हर जगह फील हुए थे, लेकिन चेन्नई में नहीं होंगे क्योंकि चेन्नई काफी दूर है एपिसेंटर से। तो डिस्टेंस कितनी एपिसेंटर से, एंड डेप्थ ऑफ फोकस, फोकस कितना, हमने देखा था मॉडरेट फोकस जहाँ पे 0 से 250 किलोमीटर अंदर अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे ज्यादा ज्यादा डैमेज एज कम्पेयर टू 250 to 700 किलोमीटर एंड 250 to 700 किलोमीटर। ये तीन होते हैं, तो सबसे ज्यादा होता है डेप्थ ऑफ फोकस पर डिपेंड करता है कि कितना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आएगा। और हजार्डस को मेंटेन कैसे करें, हम एक जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया रिस्क एरियाज एंड वल्नरेबिलिटी मैपिंग की अर्थ की, जैसे यहाँ पे इसे अलग रिस्क जोन में रखा गया, हिमालय को काफी हाई रिस्क जोन में रखा गया अर्थक्वेक के। फिर स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन की, हम अपने जो बिल्डिंग्स बनाए वो नेशनल बिल्डिंग कोड को फॉलो करके डिजास्टर रेजिलियंट बिल्डिंग बनाए, एंड वार्निंग सिस्टम लगाए, वार्निंग सिस्टम जैसे पी एंड एस वेव के बीच में कुछ टाइम इंटरवल होता है, उसको यूज करके हम जो क्रिटिकल हमारे इंस्टॉलेशन है जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस ऐसे इंस्टॉलेशन को क्लोज कर दें एटलीस्ट। एंड फिर यहाँ पे क्या होता है, जैसे मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा होता है सीस्मोमीटर, सीस्मोमीटर ये डिटेक्ट करता है एंड ये
सेटेलाइट में भेजता है इन्फॉर्मेशन, एंड सेटेलाइट से इन्फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल पे पता चल जाती है।